once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn. Good evening guys, how are you? So welcome to मेरे एक और नए ब्लॉग में. तो आज हम बना कुछ नया कुछ करेंगे. क्रिसमस आने वाला है तो मेरा क्रिसमस का सब तैयारी भी करना है. तो जस्ट क्रिसमस के लिए मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ. अभी सब लेके आएंगे, सामान दिखाएंगे, देखते क्या क्या खरीदने मिलता. कुछ बेल्ट वेल्ट सिंगल सब खरीदेंगे, बच्चे के लिए भी उसका टोपी खरीदेंगे. अगर कुछ ड्रेसअप मिलता है मेरे को उसको पहनाने का, वो भी खरीदूँगा. और बताइए कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, कमेंट्स कीजिए, दिखाइए मेरे को, बोलिए मेरे को कैसा लग रहा है, कि इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं. आप लोग जो सपोर्ट करेंगे वही हो रहा है. और थैंक यू, मेरा बहुत सारा वीडियोस वायरल हो रहा है आप लोग के कारण. तो बस सिलेक्शन तो कर लिया, इस जगह पे मैं अभी बिठाऊँगा, यहाँ पर मैं बिठाऊँगा जो क्रिसमस का जो जीसस का ही है. मेरा ये हमेशा ये वाला बैठता है तो मैं इसी को बिठाऊँगा. फुल इसको साफ करेंगे, फिर इसको पूरा सजाएंगे, पूरा जो हम लेके आए ट्री वी लेके आएंगे लाइट से. और इस तरफ मैं एक सोच रहा था कि यहाँ पर एक ये लगाऊंगा जो स्पार्क लाइट रहता है, तो मैं ख़रीद के लाया हूँ वो भी. तो वो स्पार्क लाइट मेरे को लगाना है. तो वो मैं बता दूँगा आपको मैं कितने में ख़रीदा. अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर चाहिए तो आप जाकर खरीद सकते हैं उसको. तो बस यही है, आज देखते हैं. चलो खरीद के लेके आते, ट्री लेके आना है तो सबका लिस्ट बनाता है पहले, बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चला जाएगा इसमें तो कहाँ जाएगा, तू भी जाएगा. हाँ मुँह दिखा, हेलो दिखा, हेलो बोल, यूएस का हेलो बोल दे, हेलो हेलो जाएगा हम लोग के साथ. रेडियो रेडियो होके देखो आ गया यहाँ पर. तो हम लोग जस्ट इसको लेके क्रिसमस का ट्री लेने जा रहे. ठीक है, तो क्रिसमस ट्री हम लेके आते, देखते क्या है फिर दिखाते आपको. तो बाइक तो यहाँ पर अपना है भाई, ये चाबी लेके खड़ा है. चाबी क्या, तुम घुसाओगे? अच्छा तो घुसाओ चाबी, चाबी अभी उसको लेके खड़ा है. तो अभिषेक भी लेगा उसको, उठा के बिठा दे, क्यों चाबी घुसाएगा बोल रहा है. तो चलो चाबी घुसाओ, कहाँ पर चाबी घुसाना है देखो, ये कैसे चाबी घुसाता है देखो. वाह, तो चलो वो भी बाइक चलाएगा. चलो चलो तो फिर हम जाते हैं, जाके इस क्रिसमस ट्री लेके आते हैं. ज़्यादा वो नहीं है, ये वाला लेंगे तो दिखा दो. हाँ कितनी भी है बुझू, तो ये वाला झाड़ लिया भाई, इसको पोस्ट सजाएंगे. अब इससे बहुत सारा है, चलिए इसको लेके फिर आपसे मिलते हैं. देखिए कितना अच्छा था सर. अरे इधर करोगा? पंचस्टर ये ले ले, किसके लिए? साइड में रखेगा. अच्छा ले, ये वाला ले ले और ये वाला एक ले ले, बाकी वहाँ से जो लेना ले. के तो जा रहे हैं बस, और ये ले लिया हम लोग ने. चलो बहुत जाम है. सो गाइस हम घर पे आ चुके हैं और जस्ट मैं लेके आया हूँ, सब दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या लाया हूँ. पहला तो आप देखे ही होंगे, ये वाला मेरे को पसंद आया था, ये वाला जो क्रिसमस के लिए मैं लाया था. नीचे बिठेगा ये जो झाड़ है मेरा, ये वाला जो झाड़ खरीदा हूँ मैं, आप देख सकते हो कितना बड़ा झाड़ लिया हूँ मैं. तो उसको यस यहाँ पर ऐसे बिठाया जाएगा, तो देखते हैं उस जगह पर. और कुछ बॉल्स और बेल्ट लाया हुआ है, आप देख ही सकते हो. तो बॉल्स बेल्ट रहेगा और कुछ सजा रहेगा, कुछ चीज़ जैसे ये चीज़ रहता है उसको कुछ सजाएंगे. और तो ये बेल और भी बेल फिर लेके आया था. और हुआ मेरा ये वाला पूरा एक चेन जैसा है, ये खोलेंगे जब वो पूरा चेन जैसे बन जाएगा, आप देख ही सकते हो. दूसरे तरह दिखा रहा हूँ,
इस तरह, तो ये पूरा ऐसा चेन बन जाएगा। और अपना मेरी क्रिसमस जो मेरी क्रिसमस लिखा हुआ रहता है, बस अभी केक, खाली केक बचा है, केक लेके आना है मेरे को फिर। और बाकी मेरा ये पूरा सेटअप मेरा रेडी है, मतलब पूरा जो सजाने का चीज़ लाया हूँ वो सब रेडी हो गया। और अभिषेक मम्मी को चाय पिला रहा है, तो हम लोग सब रेडी हो गए, ठीक है। तो और 25 दिसंबर का पार्टी वार्टी होगा, तो खाएंगे पियेंगे मजा करेंगे सब, और अच्छे से होंगे सब, गाना वाना लगाएंगे और लाइट वाइट लगाएंगे ठीक से, ठीक है। तो चलिए बाकी इसको देखते हैं और सजाएंगे तो देख लेते हैं। चलिए में आ गए हम लोग घर के सिर्फ बाहर ही शॉप है, और देखो कितना अच्छा केक लाया यार। मैं आके देख रहा हूँ, आज हमारे घर पे बनने वाला है पाव भाजी। तो ये देखो पूरा पाव लेके आया हुआ है, शिमला मिर्ची कटा जा रहा है, और फुल जो कॉपी है कट चुका है, और बाकी और भी सब हो रहा है तैयारी। और यहाँ पर देखिए सॉन्ग को हेड शेफ से लोग आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए आया, कोई बनाएगा नहीं, हाथ तो देने वाला है नहीं, मैंने ही हाथ लगाया उसके बाद चालू हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, और हम लोग खाली खाएंगे क्या, हम लोग खाली खाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो इसको ये जब बनता है तब दिखाते। तो पाव लाए हुए, देखिए पाव पाव है बेकरी का, इधर नरम पाव देखिए, देख सकते हो उसको। इसमें एक 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 पैकेट में इसको मेरे को एट पीस मिला हुआ है। और ये अपना गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, अपना प्याज, प्याज कटा जाएगा फाइन चॉप, और ये मटर, और धनिया, और अमूल बटर, देखिए यार अमूल बटर, पाव, ये पाव भाजी मसाला, मैं चार एवरेज का चार पाव 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 भाजी मसाला नहीं है। और ये अपना गोभी, उसको मैं पहले बॉईल करूँ ताकि इसका जो गंदगी है वो निकल जाए, बस अभी फिल ये यही सब है। अभी इसको बनाएंगे, जब हम इसको प्रोसेस दिखाएंगे धीरे धीरे। हम इसमें अभी बॉईल करने के लिए ये गाजर और ये चार चीज़ हम लोग कुकर में डालेंगे, और वो तो बॉईल हो रहा ही है, वो जैसे हो जाता है इसको भी हम दे देंगे, फिर इसको हम पूरा मैश करेंगे अच्छे से, ठीक है, पूरा पीस लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, बहुत कुछ है अभी। तो भाई जो वेजिटेबल काट के रखा था मैं, इसमें मैंने पूरा डाल दिया हूँ, ठीक है। इसमें जो है वेजिटेबल में पूरा डाल दिया हूँ, जैसे गाजर, आलू, अब टमाटर, ये सब मैं इसमें डाल चुका हूँ, और शिमला मिर्च जो यहाँ पर था शिमला मिर्च वो भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। पानी डाल के अब इसको बस नमक वमक कुछ नहीं दिया, बस इतना पानी डाल के इसको अब सीटी मारेंगे। सीटी मारने के बाद देखते हैं, 3 से 4-5 सीटी मारेंगे इसको, ताकि पूरा जो भी है आलू वालू जो भी है गल जाए, और इसमें पानी बहुत कम डालना, ठीक है, पानी इतना मत डालना कि पूरा ये हो जाए। तो चलिए बाकी आगे का प्रोसेस देखते हैं, और सीटी मारेंगे यहाँ पर। मैंने तो बिठा दिया हूँ, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुकर बिठा के रखा हूँ, इसमें बॉयल होगा अभी। और यार मैं नींबू लाना भूल गया, फिर वापस अभिषेक को मैं भेजा हूँ, देखता वो नींबू लेके आएगा। लेके आने के बाद फिर ये सिटी हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद हम वापस से इसको फ्राई अच्छे से मैश करेंगे अच्छे से, सब मसाला मसाला डाल के पूरा मैश करेंगे इसको बटर में। तो चलिए देखते हैं बाकी का प्रोसेस। नींबू आ जाने दीजिए, नींबू में आपको दिखा, नींबू तो क्या दिखा होगा आपको। और ये देखिए बच्चा खेल रहा है अभी, और बस चल रहा है, देखते आगे क्या होता है। कढ़ाई बिठा दिया है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मेरा जो कुकर है इसमें 6 सीटी मारा था, और इसका अभी तक प्रेशर अभी निकला नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका। तो कढ़ाई में हम पहले तेल डालेंगे, हल्का तेल, क्योंकि इसमें बटर भी आएगा, तो इसमें हम तेल कम डाल रहे थोड़ा सा, और हम इसमें अमूल बटर डालेंगे। अमूल बटर के बिना तो छोटा भी नहीं है यार। तो इसमें जाएगा पूरा एकदम हाफ कट अमूल बटर, ये पूरा हाफ वन साइड अमूल बटर इसमें जाएगा, और भी जाएगा लेकिन हाफ हाफ पूरा इसका होने के बाद जाएगा, ठीक है। तो पहले ये पूरा ये हो जाने दीजिए, बटर का थोड़ा पूरा एकदम गल जाने दीजिए, उसके बाद मैं वापस मिलता हूँ। तो देखिए आपका मेरा जो बटर है गल गया है, तो इसमें मैं छोटा सा एकदम जैसे जीरा पाउडर छोटा 5-6 पैकेट आता है, मैं ये इसका हाफ डालूंगा मैं, इतना सा मेरा जीरा पाउडर, ठीक है, उसको मैं पूरा स्टेयर करूँगा। और पूरा एकदम पाव भाजी जो मसाला है मैं वो डाल दूंगा इसमें, ताकि जो फ्लेवर है मतलब जो इसका जो पैकेट में है ना, तो इसको तो और भी ताज़ापन मिल जाएगा इसमें थोड़ा फ्राई होकर। तो देखिए इस तरह पाव भाजी में पूरा लाल होने चालू हो गया ये, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पूरा टमाटर, अपना जो टमाटर मैं काट के रखा हूँ आपको मालूम है, टमाटर ये टमाटर पूरा जाएगा इसमें,
टमाटर को हम अभी पहले सॉटे करेंगे, पहले प्याज लेगा, प्याज का पानी निकल जाएगा, तो पहले टमाटर को हम पूरा सॉटे करेंगे। तो 2 से 3 मिनट सॉटे करने के बाद हम प्याज डालेंगे। तो देखिए मेरा टमाटर थोड़ा सा सॉटे हो चुका है, अब मैं इसमें इसका मैं हाफ प्याज में डाल दूँगा, इसमें मतलब का 3 से 4 प्याज डाला मैं। अभी इसको अच्छे से सॉटे होने देंगे, ठीक है, और करके करके मेरा ये पूरा बॉईल हो चुका, मेरा ये पूरा बॉईल हो चुका है, ठीक है, बॉईल हो गया। तो देखिए पूरा आलू वालू पूरा गल गया इसमें, और इसको मैं मैश पे मर गया कट जा रहा है, इस तरह से सीख जाते हैं बॉईल हो गया और ये वाला बन रहा है मेरा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अभी ढक्कन देके 5 से 10 मिनट रखूँगा, उसके बाद आपसे मिलता। तो अभी देखिए इसमें से मेरा टमाटर पूरा गल चुका है, अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगा, थोड़ा अच्छा होगा। और इसमें मैं डालूँगा इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, इससे रेड कलर का पूरा कलर आएगा, पूरा एक पैकेट काश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगा इसमें। और इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेगा, मैं फिर 1 चम्मच डाल के रखा हूँ, उसके बाद अगर लगता है तो मैं डालूँगा। तो बस इसको मैं अच्छे से वापस तैयार करूँगा, करने के बाद मैं इसमें एक और में पूरा पाव भाजी का एक और पैकेट में डालूंगा इसमें, मतलब 2 पैकेट इसमें पाव भाजी मसाला गया हुआ है, क्योंकि अभी पानी अभी इसका जो पानी है इसमें गिरेगा, इसलिए और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें 2 पैकेट पाव भाजी मसाला गया हुआ है। अब इसमें जैसे ये हो जाता है, मैं अभी इसमें अपना जो गोभी लाया हूँ, गोभी इसमें मैं डाल दूँगा। गोभी को मैं अच्छे से मैं पहले क्रश कर लेता हूँ, क्योंकि फिर उसके वो डालने के बाद उनको वापस ये निकलेंगे, तो इसमें मैं क्रश करके फिर वो वाला मैं डालूँगा। तो अभी मैं इसमें पूरा जो है फुल मैं पानी के साथ ही इसमें डाल दूँगा, मैं जो ये पानी के साथ इसमें क्रश कर लूँगा मैं, ठीक है, ये पूरा ले लेता हूँ। अब मैं इसमें अच्छे से क्रश करता रहूँगा पूरा एकदम अच्छे फुल, जब तक ये पूरा क्रश नहीं होता तब तक मैं आपको मिलता उसके बाद। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो भी है पीस गया है पूरा एकदम, थोड़ा इसको मैश कर दिया, पानी एकदम ख़त्म। अब मैं इसमें हाफ और जो बाकी था मैं वो बटर इसमें डाल दूँगा, ठीक है, तो ये इसमें गलते रहेगा। और इसके ऊपर मैं डालूँगा धनिया, जो मैं और थोड़ा काट के रहा धनिया, धनिया में डाल के इसको थोड़ा सा मैं हिला दूँगा ताकि बटर भी गल जाए, बटर इसके मिल जाए पूरा, ये अपना पूरा इसमें मिल चुका है। तो चलिए अभी इसके बाद हम अपना ब्रेड मतलब अपना पाव जो है उसमें फ्राई करते हैं। तो ऐसे मैं दूसरा कढ़ाई ले लिया, तो और पाव देखिए मैंने ऐसे काट चुका हूँ मैं पाव को इस दो बात में। अब मैं इसमें बटर डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ ये मैं 1 चम्मच बटर इसमें डाल चुका हूँ, अच्छे से अपना चारों पाँव में इसमें लपटेगा अच्छा खासा मटर। इसी के ऊपर हम ये सब्जी डाल देंगे, ठीक है, आप चाहे तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, क्योंकि मेरे को लगता है सब्जी डालना सही है, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी इसके अंदर पूरा फ्लेवर मिक्स करेगा, इसमें तो पूरा सब्जी रखे और अच्छे से हम पहले उसको पूरा ग्राइंड करेंगे इसके बाद। अब क्या करेंगे, इसको जो अपना ब्रेड ये पाव लिया इसको धीरे धीरे इसके साथ लगा लगा के फ्राई करेंगे इस तरह इस तरह। किस तरह सब्जी रख जाएगा देखिए इसके अंदर जो भी है पूरा अंदर तक फ्राई करेंगे पूरा अच्छे से, ताकि ये पूरा अच्छे से सब्जी से लिपट जाए और बटर में फ्राई हो जाए, तो अपना ये बन जाएगा बटर पाव भाजी, है ना, दिख रहा टेस्टी। ट्राई करके मेरे को कमेंट्स में लिखिएगा कैसा कैसा लगेगा खाने में। तो आप देख ही सकते हैं ये मेरा पूरा पाव भाजी बन रहा है पूरा, देखिए इस तरह आपको फ्राई कर लेना है पूरा, इसके अंदर बटर चला गया है पूरा मसाले के साथ, देखिए पूरा एकदम बटर पूरा इसके अंदर मिल चुका है, तो बहुत टेस्टी बन रहा है। और चलिए अब इसको प्लेटिंग करते हैं, इसमें मेरा भाजी भी हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं साइड में मेरा भाजी पूरा दिख रहा है और यहाँ पर मेरा पाव भी रेडी है, तो चलिए प्लेटिंग करते हैं।
तो ये देखिए मेरा पाव भाजी रेडी है प्लेट में, सर्व हो चुका है। ये मेरा भाजी, इसमें पूरा बटर डाल के किया हुआ है, सलाद दिया हुआ है और यहाँ पर मेरे को पाव दिया है जो अच्छे से बटर डाल के सेका हुआ है, अदरक मसाले से पूरा अच्छे से सेका हुआ है। तो चलिए मैं इसको खा के दिखाता हूँ कैसे लगता है, क्या टेस्ट हुआ है, ठीक है, खा के उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको खा के दिखाते हैं, अब यहाँ पर आ जाओ दिखाते हैं, आ जाओ बैठ बैठ यहाँ पर बैठ, हम लोग खाएंगे, क्या खाया इसमें, बैठ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। तो उसका हाउ पहले हाय बोल दो, हाय 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 बोलो हाय। तो चलिए वो आई नहीं मिलेगा, पहले हम अच्छे से तोड़ते हैं, ठीक है। तो लेंगे इसको, थोड़ा सा नींबू लेंगे इसमें पूरा अच्छे से निचोड़ेंगे, प्याज इसमें डाला हुआ है, तुम खाएगा नहीं। तो भाई गाइस देखो खा लिया इसको, तो एक बाइट मारते पहले, बहुत टेस्टी है भाई, ठीक है। अपने बच्चों के साथ खिला देता हूँ उसको, उसको भी चाहिए, ये लो। हाँ हाँ, तो भाई पाव भाजी अच्छा लगा, तो देखिए आज शॉपिंग की हम लोग ने, क्रिसमस ट्री पाव भाजी बनाया, ठीक है। आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिए यहाँ पे देख लीजिए तो, और जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे फैमिली से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जगह पे, तो कुछ नया फूड के साथ, तो फूडी फ्लेवर्स फंड में वापस दिखाया गया। बाय बाय, चलिए।